Welcome to Bhutan, a new country, stepping foot. It's Arunachal, but in a cleanest manner. Bhutan, कैसा लग रहा है? First time. अच्छा. Tire जो है थोड़ा सा bubbling हो रहा था गाड़ी का. So abhi time ho raha hai 11:05 and we are here at Alipur Junction. So train mein chadhne ke sath sath hum so gaya tha, as you can see just abhi utha hai hum, because bahut jaldi utha tha, so it was quite unusual for me. And abhi ye hai hum log ka train, Capital Express, and yahan mein hai Arjun bhaiya. Aaj ka journey kaisa laga aapko? Badhiya, acha laga. सो एक्साइटमेंट भी है लेकिन थोड़ा थकान भी है अभी. आई थिंक इसका नेक्स्ट स्टॉपेज में हम लोग का स्टॉपेज होगा हसीमारा, एंड वी आर हेयर एट वेस्ट बंगाल. असम को भी छोड़ के हम लोग अभी वेस्ट बंगाल में आ चुका है. फाइनली वी आर हेयर एट हसीमारा स्टेशन. मेरा नाम कर्मा गेलसन है और हम भूटान में टूर ऑपरेटर है. उसी में डाल दो ना, अंदर में डाल दो, अंदर में डाल दो, अंदर में डालो. या इधर भी है उस दिन भाई, डाल लो डाल लो, एकदम अच्छा लगा. और ब्यूटीफुल कलर रास्ता बना है ना, नाला है, नीचे नाला है लेकिन ऊपर में आदमी चल निकले. जगह का नाम है जयगांव, जो कि द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है अगर आप भूटान की तरफ जाते हैं. एंड इसका थोड़ा उस तरफ में आ जाएगा तो हम लोग को भूटान का गेट मिलेगा. एंड आप सभी को इतना बढ़िया व्यू नहीं दिखा पा रहे, मेनली दो रीज़न. एक तो पीछे बैठा है सामान के साथ, दूसरा आज पता नहीं दिन मेरा ठीक नहीं है, तबीयत खराब होके. सो दीज आर द मेन रीजन्स. तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है रिफ्रेशमेंट करके, तब तक हम लोग का जो पास है वो रिन्यू हो जाएगा. उसके बाद तब हम लोग आज अगर पूरा हो जाता है देन वी विल एंटर भूटान. दिस इज़ द टी शर्ट जो हम लोग को भूटान की तरफ से मिला है. माय नेम इज सोनम दोजी एंड आई एम एक्चुअली आई एम अ टूर गाइड सिंस 12 इयर्स. इफ यू ऑल वांट्स टू कम टू भूटान टू विजिट भूटान, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी. I will just tell you, or you can just directly WhatsApp me. I can arrange everything for the Bhutan tours and the itineraries for the Bhutan. Thank you so much. So Bhutan mein aap bina guide ka nahi aa sakte, so here is our guide Sonam ji. Is paar India, us paar mein aapko milega Bhutan. So that is the gate of Bhutan. Thoda der mein abhi hum log entry karega. सो यहाँ में अंदर में बनेगा आपका पास, और ये वॉल जो है ये इंडिया और भूटान का बाउंड्री वॉल है. यहाँ अंदर में चेकिंग होता है एंड वहाँ से अगर लोग स्ट्रब आएगा अभी, आई थिंक ये भी जस्ट इमिग्रेशन का प्रोसेस है. तो यहाँ में आप देख सकते हैं भूटान का सिक्योरिटी पर्सनल का कुछ इस तरीका से है, सिक्योरिटी नहीं जो भी. अभी यहाँ से हम लोग एक नया कंट्री में एंटर होने वाला है Bhutan. Now we all will be entering in a new country, Bhutan. Finally, welcome to Bhutan.
वेलकम टू भूटान अ न्यू कंट्री स्टेपिंग फुट इनसाइड अ न्यू कंट्री भूटान। सो यहाँ पे सब है ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। भूटान के बारे में एक चीज़ आप लोग जान लो, भूटान इज़ नोन एज द स्माइलिंग कंट्री एंड यहाँ पर बहुत कुछ नया रूल्स है जो अभी हम लोग इतना आइडिया नहीं है, आस्ते आस्ते कुछ कुछ चीज़ देखते हुए आइडिया मिल जाएगा। यहाँ में सबसे पहले एक चीज़ है कि यहाँ का रोड्स लोग बहुत साफ सुथरा है एंड यहाँ पे कोई भी हॉकिंग नहीं करता है। सो दिस इज़ द गेट ऑफ भूटान। हम लोग यहाँ से नहीं आया था, हम लोग जो है यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिस है यहाँ से आया था एंड दिस आर द रोड्स ऑफ भूटान, प्रीटी क्लीन। सो इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम इन भूटान एंड अभी देखते हैं, वील हैव टू हैव अ लंच बिकॉज हम लोग मतलब कुछ नहीं खाया। ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइक ना का बराबर ही था बिकॉज ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट में यही मिल जाएगा। सो फर्स्ट टाइम भूटान कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम बढ़िया। एंड यहाँ आप देखो हम लोग आ रहे हैं, यहाँ हम लोग ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाता है, सेम यहाँ भी। ये वाला चीज़ जो है आपको इंडिया में तो देखने को मिलेगा नहीं, इंडिया में आपका ये हाथ वाला स्टाइल होगा बट भूटान में जितना भी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके लिए रुक जाएगा। सो अभी जस्ट हमने ये छुरपी जो है इसको ख़रीदा है जो हम लोग अरुणाचल में भी मिलते हैं एंड ये भूटान का करेंसी है, ये 100 रुपीस ऑफ भूटान। यहाँ में अभी मेरे हाथ में 300 है और यहाँ में पापा सिम अप्लाई कर रहे हैं। सो ये है बस, क्या पता आप लोगों ने ये जो नीचे में लाइंस है इसी के अंदर में आपको गाड़ी पार्किंग करना है, थोड़ा भी बाहर निकला आपका गाड़ी टो होगी चला जाएगा। क्लीनलीनेस यहाँ में इंडिया से बहुत बढ़कर है। तो अभी ये है, ये अवेलेबल मिलता है दोगर होटल एनसी। अब यहाँ में हम लोग लंच खाएगा, सुबह से कुछ नहीं खाने का बराबर ही चल रहा है सब। तो यहाँ में ऐसे टाइप से आपको बुफे टाइप मिलता है, ये तो दाल है बाकी सब चिकन और यहाँ में फर्स्ट मील इन भूटान चिकन चिली राइस कुक। एंड दिस इज समवट द इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड द भूटान। सो यहाँ में है हम लोग का बस, दे विल अगेन टेक अस टू आवर अदर डेस्टिनेशन। सो जस्ट गॉट यू कन्फर्मेशन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बारो टूडे, हम लोग वहीं में आज बैठेगा। यहाँ से लगभग आपको फुल चलिंग से लगभग आपको 4 to 5 hours का रास्ता है तो हम लोग आराम से जाएगा एंड आई थिंक आपको ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा होगा ड्यू टू द बस नॉइस। यहाँ में जो भूटान का जो व्यू है दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अरुणाचल ना, हिली टेरेन और गाड़ी लोग भी जैसे आपने आगे देखा होगा लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे हम लोग बस्ती लोग में भी ऐसे टाइप का रास्ता होता है, नीचे में गांव होते हैं घर होते हैं, आई मीन मतलब इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू अरुणाचल प्रदेश बट इट्स अरुणाचल बट इन अ क्लीनेस्ट मैनर, मतलब बहुत सुंदर है। अभी कल हम लोग फिर नया नया जगह एक्सप्लोर करेंगे तब वहाँ में भूटान का और भी लाइक क्या चीज़ जो अच्छा है उसको पता चलेगा। इदू कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज,
टायर जो है थोड़ा सा बबलिंग हो रहा था गाड़ी का, तो उसी का लिए हम लोग थोड़ा रुका है, यानी थोड़ा टाइट कर रहा है अभी। अभी टाइम हो रहा है 6:46 एंड यहाँ पे अभी भी हम लोग का जो बस है उसका टायर को बना रहे। अभी ऐसा वाला जो नया बस है ना उसका 60 है। सो ये सब भी एक एडवेंचर का एक पार्ट है, कुछ कुछ खराब होने वाला भी, यही चीज़ हम लोग ट्रिप को यादगार रहेगा, वरना गया आया वो कुछ नहीं है। सो टाइम हो रहा है अभी 9:43 एंड वी आर स्टिल ऑन आवर वे टू आवर डेस्टिनेशन। अभी तक नहीं पहुंचा और क्योंकि थोड़ा वही टायर का समय में लेट हो गया था, एंड अभी हम लोग पहुंचा है एक होटल में खाना खाने के लिए, एंड यहाँ है रोड। सो यहाँ अंदर में चालू हो गया डिनर, अभी हम भी अंदर जाएंगे। बुफे सिस्टम फाइनली हम लोग पारो पहुंच गया, बट अभी अंधेरा है तो इसलिए इतना नजर नहीं आ रहा है, बट यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहे पता नहीं, लाइट्स है। पारो पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इधर से यहाँ से सीधा ना। हाँ जी, वन ऑफ डेंजरस एयरपोर्ट है, इसमें हम लोग का इधर लैंड करने का टेक ऑफ करने का 7 पायलट का लाइसेंस है, सिर्फ 7 पायलट का। अच्छा, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिपार्चर का किए थे। अच्छा, सो यहाँ में जो सीधा में आपको जो लाइटिंग दिखाई दे रहा है ये है सस्पेंशन ब्रिज जोंग जाने के लिए, ये वाला जो है आपका जोंग है, इसमें जो मतलब जोंग का मतलब जो है एक ऑफिस है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और वो क्या बोलते हैं कुछ रिलीजियस का बारे में डिस्कशन के लिए एक ऑफिस है, और वो ऊपर में एक छोटा सा एक जो लाइट जल रहा है वो जो आपका म्यूजियम है, एंड इसके ठीक नीचे में यहाँ में देखो नदी है। सो यहाँ से है सीढ़ी वुडन स्टेयर्स, ये भी वुडन, एंड ये है अभी होटल। तो ये है रूम और इंटीरियर कुछ ऐसा है, यहाँ में ब्लोअर और लेडी जल के है, एंड ये पूरा वुडन है, यहाँ में ये वाला लाइट है, एंड यहाँ पे दो बेड है, देर इज़ ऑल्सो अ लाइट, यहाँ में और एक बेड है, यहाँ सो सकता है अगर एडजस्टमेंट के लिए, एंड ये टीवी, एंड ये यहाँ में जस्ट बैठने के लिए। व्यू आपको कल सुबह दिखाया जाएगा, अभी तो अंधेरा है। और ये बाथरूम, आई थिंक ये वाला बाथरूम तो हमको अभी तक नसीब नहीं हुआ बहुत समय के बाद, यहाँ में टब है और वहाँ बाथरूम, और वहाँ पे ये जो है बेसिन, एंड यहाँ आपको नहाने के लिए, एंड यहाँ में एक चीज़ आप नोट करो, पानी को शायद ये फिल्टर करके जो बड़ा बड़ा गंदा है वो इसी में ब्लॉक करके जो ड्रेन में गंदा नहीं जाने के लिए देने के लिए। पापा आज का जर्नी कैसे है? हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया रहा, थोड़ा लेट हो गया गाड़ी के, थोड़ा टायर खराब होने के वजह से, नहीं तो ठीक सही टाइम में पहुंचना, और होम स्टे में एक विलेज होम स्टे में बैठा है, बहुत बढ़िया एकदम सुंदर है, एकदम लोकली हम लोग अपना घर जैसा है। अभी टाइम हो रहा है आपका 11:16 एंड सुबह 2:30 बजे से चला है, अभी जस्ट पहुंचा है तो बहुत थक गया, बट एक चीज़ का बहुत खुशी है कि लाइक हम लोग ने अपना फर्स्ट डे में ही भूटान बॉर्डर को क्रॉस कर लिया इंटरनेशनल बॉर्डर, वरना यूजुअली कभी कभी पासेस का चक्कर में रुक जाता है, बट वी वेयर लकी कि हम लोग ने फर्स्ट डे में ही भूटान क्रॉस कर लिया, एंड अभी यहाँ में बहुत सा चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए, ये तो खैर हम लोग का फर्स्ट डे ही है, सो देखिएगा कुछ सीखिएगा और कुछ आप सभी को भी दिखाएगा, एंड व्यू जो है वो कल सुबह आपको दिखाएगा। एंड आज का वीडियो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बिकॉज थोड़ा मेरा दिन को तबीयत बिगड़ने की वजह से इतना अच्छे से हम शूट नहीं कर पाया, स्पेशली ट्रेन जर्नी जो था उसको तो हम थोड़ा भी कैप्चर नहीं कर पाया,
बिकॉज हम पूरा सो रहा था होल जर्नी में। सो एनीवेज जो भी है जैसा भी है अभी बाकी बहुत थक गया तो थोड़ा रेस्ट कर लेगा, तो कल मिलता है। सो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क, गुड बाय।